नमस्ते स्टूडेंट्स, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भुगजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि रेगुलर वीडियो आते हैं आपके लिए, तो आप सबसे पहले तो जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखा कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि मोटिवेशन मिल सके और बेहतर किया जा सके। हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, पादपकारिकी की, और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषक जो हैं वो कौन कौन से हैं, पोषण के लिए पादप मृदा से खनिज जो तत्व हैं उनको ग्रहण करते हैं, उसी को हमने क्या कहा था, खनिज पोषण। यहाँ हमने बात की थी पादप जो खनिज पोषक तत्व लेते हैं वो दो प्रकार के थे, एक वृहद पोषक तत्व और एक थे सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्वों की जो संख्या बताई थी वो होती है कितनी, 9, जिसमें हमने बात की है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन है, सल्फर। ये सब के सब प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 9 है। इनमें भी हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं वो मृदा से खनिज आयन के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, ये अखनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें पादप वायुमंडल से CO2 और O2 या जल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। इसके अलावा NPK जो था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम था, इन्हें हमने कहा था प्राथमिक वृहद पोषक तत्व। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर है ये आते हैं द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत। इसके अलावा हमने बात की थी 9 जो पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, वृहद पोषक तत्व, इनके अलावा 8 सूक्ष्म पोषक तत्व और हैं जो हैं मोलिब्डेनम, फेरस, क्लोरीन, बोरोन, मोलिब्डेनम, फेरस, क्लोरीन, बोरोन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और निकल, ये सब के सब किस में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सब के सब किस में हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी बात आगे करेंगे। टोटल यदि हम बात करें तो 17 जो खनिज पोषक तत्व हैं ये अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पादपों में हमने बात की थी शुष्क भार में लगभग 60 प्रकार के खनिज तत्व की उपस्थिति हमने देखी, उनमें से 17 तो अनिवार्य पोषक तत्व हैं, बाकी जो बचते हैं 17 के अलावा वो अनावश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आ रहे थे। हमने यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की हमने बात कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के ऊपर। ये तीनों जो हैं ये द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पादप कैल्शियम का अवशोषण किसके रूप में करता है, क्या इसकी उपयोगिता है, यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन से जो लक्षण हैं वो पादप में क्या होंगे, नज़र आएंगे। इससे पहले एक बार यहाँ ध्यान दे लो, कल मैंने जो सूक्ष्म पोषक तत्व बताया था प्रीवियस जो वीडियो में, उसके लिए ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 7 जो पोषक तत्व थे वो ही बताए थे। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, मोदी, फिर कल, बॉर्डर, क्योंकि, जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, जिनपिंग, माने नहीं, इसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ कल हमने जो क्लोरीन था वो छूट गया था, वो रह नहीं, वो किसी कारणवश रह गया था, तो इसको सही कर लेना। हम बात कर रहे हैं किसकी, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और सल्फर की। तो ध्यान दें, सबसे पहले आता है द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों में कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो मृदा में एपेटाइट
एपेटाइट, कैल्साइट व डोलोमाइट। डोलोमाइट किसके रूप में? अयस्कों के रूप में, अयस्कों के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम मृदा में एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट अयस्कों के रूप में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। पादप जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम का अवशोषण करते हैं किसके रूप में? कैल्शियम आयन के रूप में, Ca+2 के रूप में। कैल्शियम आयन के रूप में पादप जो हैं वो मृदा से कैल्शियम का क्या करते हैं? अवशोषण करने का क्या कर रहे हैं? कार्य करते हैं। या हम कहें कि किस रूप में पादप कैल्शियम को मृदा से क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कैल्शियम जो है इसकी उपयोगिता की। कैल्शियम जो है, इस कैल्शियम की हम उपयोगिता को समझें तो कैल्शियम की क्या उपयोगिता होती है, कैल्शियम कहाँ उपयोगी होता है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले जैसे केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होगा और दो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो सबसे पहले दो कोशिकाओं के बीच में एक मिडिल मध्य पटलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। और जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। तो हम कहें कैल्शियम जो पैक्टेट है उसका जो निर्माण होगा, अर्थात कोशिका भित्ति जो बनेगी सबसे पहले, वो कैल्शियम पैक्टेट की बनती है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में जो कैल्शियम है वो क्या होता है? सहायक होता है, जो कोशिका विभाजन के लिए भी अति क्या होता है? आवश्यक होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम किससे क्रिया करता है? पैक्टेट से। और क्या बनाता है? कैल्शियम पैक्टेट बनाता है। और सर्वप्रथम जो कोशिका भित्ति बनती है, मध्य पटलिका जो बनती है, वो मध्य पटलिका किसकी बनी हुई होती है? यहाँ कैल्शियम जो पैक्टेट है उसकी बनी हुई होती है। तो यहाँ हमने बात की मध्य पटलिका का जो प्रमुख घटक है वो घटक कौन है? यहाँ कैल्शियम पैक्टेट, जो किससे मिलकर बना होगा? कैल्शियम से मिलकर बना होगा। इसके अलावा कोशिका विभाजन की हमने बात करी ली, कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन, कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन की क्रिया में भी यहाँ जो कैल्शियम है वो अति क्या होता है? आवश्यक होता है। इसके अलावा इस कैल्शियम पैक्टेट के कारण ही जो कोशिका भित्ति है उसमें क्या आती है? कोशिका भित्ति का लचीला होना किसके कारण? मध्य पटलिका के कारण, जो किसकी बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है। तो कोशिका विभाजन के समय और कोशिका विवर्धन की क्रिया में यहाँ कैल्शियम सहायक है। कोशिका भित्ति का जो लचीलापन बना रहता है वो लचीलापन भी यहाँ किसके कारण बना हुआ है? कैल्शियम के कारण बना हुआ होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल जो है अम्लों को प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने में कौन सहायक है? कैल्शियम क्या होता है? सहायक होता है। इसके अलावा हम देखें अमीनो अम्लों के परिवहन में भी कैल्शियम क्या होता है? सहायक होता है। तो ये यहाँ कैल्शियम की क्या हुई? उपयोगिता हुई। अब यदि पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाती है, कैल्शियम नहीं मिल पाती है या कैल्शियम उपलब्ध नहीं हो पाती है,
एक चीज़ और यहाँ पर, कैल्शियम जो होती है कैल्शियम का स्थानांतरण नहीं होता है, और स्थानांतरण नहीं होने के कारण इसके जो लक्षण हैं सामान्यतया जो विभज्योतकी भाग हैं उनमें देखने को क्या होते हैं मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज न्यूनता के लक्षण, यदि कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कैल्शियम की कमी होने पर पादपों में क्या क्या जो लक्षण है वो यहाँ हमें नज़र आते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कोशिका भित्ति बनी उस कोशिका भित्ति का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। तो कोशिका या हम कहें कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद कोशिका जो भित्ति बनती है उसका जो निर्माण होता है, मध्य पटलिका जो बनती है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनती है। तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बाद कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं बनने से बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय स्थिति का बनना, अर्थात केंद्रक विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका भित्ति का क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता। तो एक ही कोशिका में बहुत सारे क्या बन जाएंगे, केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और वह स्थिति क्या कहलाएगी, बहुकेंद्रकीय। जैसे ये कोई प्लांट सेल है, इस कोशिका में हम बात करें तो इसका जो केंद्रक था इसके केंद्रक में क्या हुआ, विभाजन, और इसके केंद्रक में विभाजन से कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, दो केंद्रकों का। यदि इसके तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, दोनों कोशिकाओं को आधा आधा कोशिका द्रव्य मिल गया तो दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनने से एक ही कोशिका में दो या दो से अधिक क्या बढ़ जाएंगे, केंद्रक बढ़ जाएंगे, वह स्थिति क्या कहलाएगी, बहुकेंद्रकीय क्या कहलाएगी, यहाँ स्थिति कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि यह क्या करती है, कोशिका जो है उसकी जो भित्ति है उसका लचीलापन जो है वो किसके कारण है, यहाँ कैल्शियम पैक्टेट के कारण है। तो कोशिका भित्ति का क्या नहीं रह पाएगा, लचीलापन नहीं रह पाएगा, अर्थात किसके निर्माण नहीं होने से, यहाँ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होने से या कैल्शियम की मात्रा में कमी होने से कोशिका भित्ति के या कोशिका भित्ति के लचीलेपन का समाप्त हो जाना किसके कारण, कैल्शियम की क्या होने से, कमी होने से कोशिका भित्ति जो है उसका जो लचीलापन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा है, यदि यहाँ कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम जो है कोशिका विवर्धन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, तो कोशिका विवर्धन क्रिया का प्रभावित होना, कोशिका वृद्धि नहीं कर पाएगी, कोशिका का जो विवर्धन है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है और पत्तियां शीर्ष से झुक जाती हैं, और पत्तियों का शीर्ष से क्या हो जाना, झुक जाना अंकुशित क्या कहलाता है, शीर्ष से क्या हो जाती है, झुक जाती है, और आगे से पत्तियों का क्या होना, झुकना अंकुशित क्या कहलाएगा, अंकुशित शीर्ष कहलाता है, अंकुशित क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाता है। क्लियर। एक यहाँ कैल्शियम की कमी से जो पत्तियाँ हैं उनमें हरिमनहीनता का प्रकट होना,
हरिमनहीनता का प्रकट होना, अर्थात जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, उनमें हरिमनहीनता के लक्षण आ जाएंगे। तो हमने यहाँ बात की कि न्यूनता, यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी में कौन कौन से जो लक्षण हैं वो पादपों में देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ हमने बात की, कोशिका विभाजन की क्रिया में कैल्शियम सहायक होता है, जो मध्य पटलिका का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, और कोशिका भित्ति यदि नहीं बनेगी कोशिका विभाजन के बाद में, तो एक ही कोशिका में बहुत सारे क्या बन जाएंगे, केंद्रक, अर्थात बहुकेंद्रक की स्थिति का बनना। इसके अलावा कैल्शियम जो है पैक्टेट, यह लचीलापन लाता है कोशिका भित्ति में, और इसका निर्माण नहीं होने से कोशिका भित्ति का लचीलापन क्या हो जाता है, समाप्त। कोशिका विवर्धन, कोशिका की जो वृद्धि होती है उसकी क्रिया प्रभावित होती है, पत्तियों का आकार विकृत हो जाएगा, पत्तियां शीर्ष से क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी, और उन्हें हम कहते हैं अंकुशित शीर्ष। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, अंकुशित जो शीर्ष है, पत्तियों में अंकुशित जो शीर्ष है वो किस खनिज तत्व की कमी के कारण दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देगा, कैल्शियम की कमी के कारण दिखाई देगा। कोशिका भित्ति का लचीलापन जो है वो किसके कारण कम हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुकेंद्र की जो स्थिति है कौन से खनिज तत्व की कमी के कारण उत्पन्न हो सकती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न हो सकती है। क्लियर यहाँ तक, तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर, बात करें हम अगला जो हमारा खनिज तत्व है वो आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह मृदा में कार्बोनेट और डोलोमाइट किसके रूप में, कार्बोनेट और किसके रूप में, डोलोमाइट के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को पादप द्विसंयोजी मैग्नीशियम किसके रूप में अवशोषित करेंगे, द्विसंयोजी यहां मैग्नीशियम को देखें तो यह Mg+2 द्विसंयोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में पादपों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा हम देखें इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है, जो हरिमनहीनता को क्या करता है, रोकता है, हरिमनहीनता को रोकता है। तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। आगे प्रकाश संश्लेषण वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे, जो क्लोरोफिल है, एक क्लोरोफिल और फायरिन किससे मिलकर बना होता है, वलय से, और फाइटोल क्या होती है, पूंछ होती है। तो यहाँ और फायरिन जो वलय होता है इसमें चार पायरोल क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, और बीच में एक मैग्नीशियम का क्या होता है, परमाणु पाया जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक जो क्लोरोफिल का अणु है, एक क्लोरोफिल के अणु में मैग्नीशियम का
एक परमाणु क्या होता है, पाया जाता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल है उसका मुख्य घटक यहाँ कौन है, मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल की हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है पोरफायरिन वलय और फाइटोल किससे मिलकर बना होता है, पूंछ से मिलकर बना होता है। और पोरफायरिन जो वलय है उसमें चार पायरोल रिंग होती हैं और चारों पायरोल जो रिंग होती हैं वो एक मैग्नीशियम जो परमाणु होता है बीच में उसको क्या किए हुए होती हैं, घेरे हुए होती हैं, उसको घेरने का क्या करती हैं यहाँ पर कार्य करती हैं। तो मैग्नीशियम जो परमाणु है उसकी संख्या यहाँ कितनी होती है, एक जो क्लोरोफिल की हम बात करें तो एक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो परमाणु है उसकी संख्या यहां कितनी है, एक मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। और यहां हम देखें तो पत्ती में पर्ण में उपस्थित कुल जो मैग्नीशियम है, उपस्थित कुल मैग्नीशियम का 10% जो है वो किस में उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में, किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्या काम करता है, इसके अलावा मैग्नीशियम की और क्या उपयोगिता है, तो प्रोटीन संश्लेषण की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम आकर किस पर, आरएनए पर, एमआरएनए पर आकर क्या होता है, बाइंड होता है। सामान्य अवस्था में हम देखें तो राइबोसोम जो होते हैं वह दो उप इकाइयों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे 70S राइबोसोम होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ हैं, 50S और 30S, ऐसे ही 80S की दो उप इकाइयाँ हैं, 60S और 40S। ये सामान्यतः जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है तो इन दोनों उप इकाइयों की हम बात करें तो ये दोनों उप इकाइयाँ हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण जब होगा तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किस पर, एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए जो है, इसके ऊपर आकर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयाँ हैं उनको यहाँ जोड़ने में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम, कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम सहायक होता है। और इसके अलावा दो राइबोसोम जो हैं वो भी आपस में जुड़ जाते हैं और ये जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, डाइमर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, डाइमर का। जैसे एक राइबोसोम है, ये दूसरा राइबोसोम है, ये दोनों यहाँ जुड़ गए तो ये भी जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, डाइमर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इनको जोड़ने में कौन सहायक है, मैग्नीशियम सहायक है। तो राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ होती हैं उनको जोड़ने में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा जो तेल धनी जो बीज होते हैं या जिनमें तेल की क्या पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है, तेलीय बीजों में, तेलीय जो बीज हैं, तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो तेलीय या तेल का निर्माण होता है, बीजों में जो तेल का निर्माण होता है वह किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण। तो तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है तो इन बीजों में तेल का निर्माण किसके कारण हो रहा है, मैग्नीशियम के कारण हो रहा है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है यह एटीपी निर्माण में, एटीपी निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है, एटीपी निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। ये सब की सब यहाँ मैग्नीशियम की क्या है, उपयोगिता है। इसके अलावा हम बात करें यदि मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की न्यूनता, मैग्नीशियम की न्यूनता के क्या क्या जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आता है अंतराशीरीय हरिमनहीनता देखने को मिलती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो अंतराशीरीय
हरिमनहीनता का प्रकट होना। अंतराश्रीय हरिमनहीनता क्या है? यहाँ पर जो पत्ती होती है पर्ण में, जो सिराओं का जो जाल होता है, सिराओं का जो जाल है, वह जाल यहाँ हरे रंग का नज़र आता है, लेकिन इनके बीच बीच में, यहाँ बीच बीच में पत्तियाँ जो हैं वो कैसी हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? अंतराश्रीय हरिमनहीनता कहेंगे। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है बीच में वीडियो बंद होने के कारण थोड़ी असुविधा हो गई है। हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण पढ़ रहे थे, जिसमें पहला जो लक्षण है वो बताएं हम, अंतरा सिरीय हरिमनहीनता। का प्रकट होना, इसमें यह है कि पादप की जो पत्ती हैं उन पत्तियों में जो सिराओं का जाल है, उस सिराओं का जाल ऐसे हरे रंग का है, लेकिन इनके बीच बीच में जो पत्ती है वो क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। उसी को हम अंतराश्रीय क्या कहेंगे? हरिमनहीनता कहेंगे। दूसरा, मैग्नीशियम की न्यूनता के कारण जो लक्षण होता है पत्तियों में एंथोसाइनिन किसका निर्माण होगा? एंथोसाइनिन वर्णक बनने के कारण पत्तियां जो हैं पत्तियों में गुलाबी लाल बैंगनी रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम की न्यूनता के कुछ जो लक्षण हैं वो हमें देखने को क्या होते हैं? मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? यहाँ थर्ड जो खनिज तत्व है वो है सल्फ़र या गंधक। तो ये यहाँ सल्फ़र मृदा में प्राप्त होता है जिप्सम के रूप में। किसके रूप में? जिप्सम, पायराइट और कोबाल्टाइट। तो एक तो जिप्सम के रूप में पाया जाता है या पाइराइट के रूप में या कोबाल्टाइट के रूप में। जो सल्फर है वह मृदा में जिप्सम, पाइराइट और कोबाल्टाइट के रूप में पाया जाता है। पादप जो सल्फर है, इस सल्फर का अवशोषण जो है वो सल्फ़र का अवशोषण किसके रूप में कर रहे हैं? तो सल्फ़र का अवशोषण कर रहे हैं सल्फेट आयन के रूप में। किसके रूप में करते हैं? सल्फेट आयन के रूप में करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो वायुमंडल में मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके रूप में भी पादपों द्वारा सल्फर का यहाँ क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। या गंधक जो है इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसकी बात की हमने? सल्फर की बात की। अब हम बात करें इसकी उपयोगिता की, या किसके रूप में जो सल्फ़र है वो हमें यहाँ पादप जो है उनमें क्या करने को मिलती है? देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करें तो जो कुछ पादप हैं, जैसे हम देखें, एक तो है जैसे प्याज है, लहसुन है, वह ब्रेसिकेसी कुल के जो पादप हैं, कुल के पादपों में तीखी गंध आती है वाष्पशील सल्फर के कारण। किसके कारण? वाष्पशील सल्फर के कारण इनमें क्या उत्पाद आती है? तीखी गंध आती है। किस किस में? प्याज में, लहसुन में और ब्रेसिकेसी कुल के जो पादप हैं उनमें वाष्पशील सल्फर के कारण क्या आती है? तीखी गंध हमें महसूस होती है या आती है।
वाष्पशील सल्फर के कारण आ रही है। इसके अलावा हम देखें तो सल्फर की यदि अधिकता है, सल्फर की अधिकता में जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में, कुल के पादपों की जड़ों में जीवाणुवीय क्या बनती हैं, जीवाणुवीय ग्रंथियां बनती हैं। अधिक बड़े आकार की जीवाणुवीय ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात इनकी जड़ों में जीवाणुवीय ग्रंथियां बनेंगी, जीवाणुओं की संख्या यहां अधिक होगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और मृदा की उपजाऊ क्षमता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। किन में, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में यदि सल्फर ज़्यादा मात्रा में उनको मिलती है तो उनमें जीवाणुवीय ग्रंथियाँ जो हैं उनकी जो मात्रा है या उनका जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात ये जो जीवाणु हैं अधिक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो सल्फर है, सल्फर विटामिन बी जैसे थायमिन है, बायोटिन है, में उपस्थित होती है। प्रश्न पूछ ले, विटामिन बी, थायमिन, बायोटिन आदि में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो कौन, सल्फर पाई जाती है। इसके अलावा को एंजाइम ए जो है इसमें भी सल्फर क्या होती है, उपस्थित होती है, या सल्फर की उपस्थिति इसमें भी क्या करने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे देखें तो जैसे हमने बात की कुछ एमिनो अम्ल होते हैं, कुछ एमिनो अम्ल होते हैं उनके संश्लेषण में, कुछ एमिनो अम्लों के संश्लेषण में भी सल्फर सहायक है, जैसे यहाँ हम देखें एक तो आता है मेथियोनिन आता है। इसके अलावा हम देखें जैसे सिस्टाइनिन और सिस्टीन ये कुछ ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिनमें सल्फर क्या होती है, उपस्थित होती है। तो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल जैसे मेथियोनिन, सिस्टाइनिन, सिस्टीन आदि में क्या पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है। और ये जो एमिनो अम्ल हैं, ये एमिनो अम्ल क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इनके द्वारा आगे प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। ये यहाँ सल्फर की हमें उपयोगिता क्या करने को मिलती है, देखने को मिलती है, या यहाँ ये कह सकें कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण में कुछ आवश्यक जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके निर्माण में सल्फर सहायक होता है, और इन एमिनो अम्लों द्वारा ही प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में हम देखें तो एमिनो अम्ल जो हैं वो राइबोसोम द्वारा एमआरएनए जो है उस पर आकर क्या किए जाते हैं, बाइंड होते हैं, और प्रोटीन जो है श्रृंखला उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले कुछ एमिनो अम्ल हैं जिनके संश्लेषण में सल्फर भाग लेता है, तो ये कुछ ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो सल्फर युक्त हैं। कैसे हैं, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल हैं। कैसे एमिनो अम्ल हैं, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल हैं। ये उपयोगिता हम बात करें सल्फर की न्यूनता के लक्षण, यदि सल्फर की कमी होगी तो न्यूनता के जो लक्षण हैं, पहला पत्तियों में हरिमनहीनता, प्रकट होना, अर्थात पत्तियां जो हैं वो क्या पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। दूसरा हम बात करें एमिनो अम्लों का संश्लेषण हो रहा है सल्फर के द्वारा, तो सल्फर युक्त एमिनो अम्लों का यहां क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, या हम कहें सल्फर युक्त अमीनो अम्लों
के निर्माण में क्या होना, कमी होना, किसके कारण, यदि सल्फर की क्या पाई जाएगी, कमी यहाँ देखने को मिलेगी, तो सल्फर युक्त जो एमिनो अम्ल है उनका क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा यदि सल्फर की कमी रह जाती है, तो सल्फर की कमी रह जाएगी तो पादप की सामान्य वृद्धि विकास नहीं होगा, और पादप क्या रह जाता है, पादप बोना रह जाता है। इसके अलावा सल्फर की कमी में दृढ़ कोशिका भित्ति वाले उत्तकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो दृढ़ कोशिका भित्ति वाले उत्तक बनते हैं, उत्तकों का बनना, जैसे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन काइमा और जाइलम जो उत्तक हैं उनका क्या होगा, निर्माण होगा। स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक और जाइलम जो उत्तक हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। किसकी कमी रह जाएगी, तो सल्फर की क्या रहने से, कमी रहने से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आज हमने बात की कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की, यहाँ तक अपना जो मैटर है वो कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा एज ए बायोलॉजी टीचर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अभी सावन का मौसम चालू हो चुका है, तो आप जितना हो सके अपने घर पर जो पादप हैं वो लाकर लगाएं, और हो सके तो अपने ज़्यादा भी नहीं तो एक दो चार प्लांट लाकर जरूर लगाएं, या अपने घर में जितने सदस्य हैं उनके बराबर कम से कम जो पादप हैं वो लाकर लगाएं। जितनी ज़्यादा और अधिक लगाना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, बेटर कार्य है वो, क्योंकि इस मौसम में जो पादप हैं वो आसानी से अच्छे ग्रो कर जाएंगे, अच्छे लग जाएंगे। और जितने पौधे आप लगाओ उनमें भी जो छायादार पादप हैं उनको साथ ही वो फलदार पादप भी होने चाहिए, जैसे अमरूद लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, इसके अलावा हम चीकू का पादप लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पादप जो छायादार के साथ फलदार हों उन पौधों को ज़्यादा लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद सभी को, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।